हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायंथस के पौधे की। डायंथस साल भर चलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये एक सुपर हार्डी पौधा है जो चलता तो लगभग साल भर है, लेकिन अभी जाड़े में ये भरपूर फूल देता है। इस तरह से पूरे पौधे पर भर भर के फूल इसके आते हैं। गर्मी में भी इसके फूल आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते हैं जितने जाड़े में आते हैं। दोस्तों, ये पौधा इतना हार्डी है कि अभी की कड़ाके की सर्दी भी झेल लेता है, और जब गर्मी में टेम्परेचर 44-45 डिग्री होता है तब भी ये पौधा अपने को बनाए रखता है। लेकिन उस समय थोड़ी अलग तरह की इसकी केयर करनी पड़ती है, और इस तरह से आप अगर अच्छी केयर इसके सालों भर कर लेते हैं तो ये पौधा साल भर आपके पास बना रहेगा और कमोबेश कुछ ना कुछ फूल देता रहे। इसके फूल बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं, और लाइट डार्क सभी तरह के होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल रेड कलर में है और किस तरह से भरा हुआ है, पूरा बहुत ब्राइट कलर है इसके, और एक से एक हल्के रंगों में भी उजला और पिंक का शेड, पूरी तरह उजला, बहुत सारे रंगों में पाया जाता है, और सारे रंग एक से बढ़कर एक खूबसूरत होते हैं इसके। इसके केयर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी मिट्टी से शुरू करते हैं। इसकी मिट्टी जनरल मिट्टी ही बनाएं, एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू और एक भाग कंपोस्ट लें। कंपोस्ट आप थोड़ी सी उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि पौधा जाड़े में इस तरह से भर भर के फूल देता है तो इसको उतनी एनर्जी चाहिए, तो थोड़ी सी कंपोस्ट की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। और गमले की बात करें दोस्तों, तो इसको ज़्यादा गहराई का पॉट नहीं चाहिए। देखिए, ये इस तरह के पॉट में मैंने लगाया हुआ है, बस इतनी ही गहराई है, 6 इंच गहरा पॉट है, पर चौड़ाई चाहिए, गहराई ज़्यादा इसके पॉट में। इसकी जड़ें बहुत कम जाती हैं, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। धूप की बात करते हैं तो इस पौधे को पूरे दिन का धूप चाहिए, जिस तरह से पिटूनिया की केयर करते हैं पूरे दिन का धूप चाहिए, उसी तरह से डायंथस के पौधों को भी पूरे दिन का धूप चाहिए। और अगर आप कम धूप देंगे तो इस तरह से आपके प्लांट पर भर भर के फूल नहीं आ पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए बहुत अच्छे फ्लावर पाने के लिए आपको इस तरह से पूरे दिन के धूप में इसे रखना चाहिए। और पानी की बात करें तो अभी जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के मौसम में रोज़ पानी नहीं देना पड़ता है, एक दिन गैप करके ही देते हैं, पर जब भी आप दें तो चेक करके दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें। इस तरह से अगर मॉइस्चर बना हुआ है तब नहीं दें, मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए तब आप पौधे में पानी दें। इस तरह से दूसरे दिन भी कभी कभी मिट्टी गीली रहती है तो ज़रूरत नहीं है, जब थोड़ी सी सूख जाए तभी आप पौधे में पानी दें। और पौधे पर पूरी तरह भर भर के कलियां बने और फूल लगें, इसके लिए दोस्तों
थोड़ी मेहनत करनी होती है। ये जैसे डेड हो गया, ये सूख गया फूल, तो इसको समय समय पर, जैसे ये फूल सूखा हुआ है, ये सूख गया, तो इसे इस तरह से पिंच कर करके हटाना पड़ता है। देखिए इस तरह से आप तोड़ तोड़ के इसको हटाते रहिए। अगर आप पौधे में ही छोड़ देंगे तो ये सीड बनने लगेंगे पौधे में पूरी तरह से। अगर आपको सीड चाहिए तब आप छोड़ सकते हैं कि पौधे में सीड बन जाए, पर बहुत ज़्यादा सीड का यूज नहीं होता है तो इस तरह से आप इसकी डेड हेडिंग करते रहें। अच्छे फूल पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और इसमें थोड़ा मेहनत लगता है क्योंकि फूल छोटे छोटे होते हैं, तो इतने छोटे छोटे बंच में से निकाल के तोड़ना थोड़ा काम लगता है। एक 15 से 20 दिन के अंदर कोई सा भी लिक्विड खाद इसमें डालते रहें, तभी लगातार पौधे पर कलियां बनती रहेंगी और फूल बनते रहेंगे। उसके लिए आप सरसों की खली का खाद डाल सकते हैं, या फिर ये लिक्विड सीविड डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml डालकर और उसको पौधे में डाल दें। 15 से 20 दिन में ये करें, और दोस्तों इसी तरह से आपके पौधे पर भर भर कर कलियां बनेंगी और फूल बनेंगे। तो ये थी डायंथस की बातें, और मिलते हैं दोस्तों अगले प्लांट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।